हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। एग्ज़ाम सक्सेस ये हमारा एक फ्री कोचिंग है जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को IAS, SSC, UPSC, बैंक, PO, रेलवे रिक्रूटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने तरीके के गवर्नमेंट जॉब हैं हम सबका फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वेलकम टू दिस एग्ज़ाम सक्सेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 में जो ऑस्कर अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उसमें कौन कौन से विनर हैं और कौन कौन से अच्छे नाम हैं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने 2017 के कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑस्कर अवार्ड विनर का लिस्ट यहाँ पर लाया है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस अपने एग्ज़ाम सक्सेस के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हमेशा बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बताते रहेंगे, और अगर आप इससे रेगुलर टच में रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मालूम होगा सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे ये यूट्यूब है, यहाँ पर देखो ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, ये हमारा है SKR वीडियो, ठीक है ना। तो ये सब्सक्राइब आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर लाइक करो, और जो भी आपको कमेंट लिखना है, ठीक है ना, जो भी लिखना है वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पॉइंट पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड 2017 में बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं और बहुत सारे लोग विनर्स हैं, और वो हमारे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2017 में वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर 2017 में है मूनलाइट, और इसे बनाया है एडेल रोमास्की, डेडे गार्नेट एंड जेरेमी किलनर ने। सो बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड विनर कौन है? मूनलाइट। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल। तो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल है ईमा स्टोन फॉर लाला ला लैंड। 2017 के ऑस्कर अवार्ड में लाला लैंड ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं। यू शुड कंसिडर दिस, ये आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। सो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल इज ईमा स्टोन फॉर किसके लिए, कौन सी मूवी के लिए? लाला लैंड मूवी के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? केसे एफ्लेक को मिला है फॉर मैनचेस्टर बाय द सी मूवी है, उसके लिए बेस्ट ऑस्कर एक्टर का अवार्ड केसले एफ्लेक को मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। हमने पहले यहाँ पे देखा था लीडिंग रोल, अब आ गया ये सपोर्टिंग रोल। तो ये फीमेल है, कौन फीमेल है? वायलोडा डेविस फॉर किसके लिए? फॉर फेंस एक मूवी है, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में देखा था, अब सपोर्टिंग रोल। सो सपोर्टिंग रोल में है महेश्वर अली फॉर मूनलाइट, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल इज महेश्वर अली फॉर द मूवी मूनलाइट। ओके, नेक्स्ट वी गो बेस्ट डायरेक्टर। ओके, सो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर ऑस्कर 2017 गोज टू डेमिल केजला फॉर लाला ला लैंड। मैंने आपको बताया था कि लाला लैंड जो है उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो देखो बेस्ट यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए भी लाला लैंड है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी लाला लैंड को ही गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है कॉलेंट एटवुड को फॉर किस मूवी के लिए? फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। ये दो मूवी के लिए कॉलेन एटवुड को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले। बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसको मिला है? बैरी जैक्सन एंड ट्रेवल एवलिन मैककर्नी को फॉर विच मूवी? मूनलाइट। मूनलाइट को भी दो तीन अवार्ड मिला है, सो इसको भी आप ध्यान में रखना। मूनलाइट भी काफ़ी सारे अवार्ड 2017 में ऑस्कर अवार्ड जीता है इसने। नेक्स्ट इज बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड केनिथ लॉन्ग्रैन को गया है। ओके, किस मूवी के लिए? फॉर मैनचेस्टर बाय द सी के लिए। अच्छा,
बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट का ऑस्कर अवार्ड 2017 में गया है पाइपर, पाइपर मूवी को, जिसे बनाया है एलन प्रेलो और मार्क सोहेंड्रनम ने। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है द सेल्समैन को, और इसे बनाया है असगर फरहांदी। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। सो 2017 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है सिटी ऑफ स्टार्स, सिटी ऑफ स्टार्स को। किस मूवी से है ये? फ्रॉम ला ला लैंड बाय जस्टिन हटविज, बेंज पेस्कर एंड जस्टिन पॉल। इन्होंने ये सॉन्ग बनाया था किस मूवी के लिए? ला ला लैंड के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, देखिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सॉन्ग एंड ओरिजिनल स्कोर? सॉन्ग और स्कोर, सॉन्ग मीन्स ये गाना हो गया, इट इज़ अ सॉन्ग विच कंटेन लिरिक्स एंड म्यूजिक। सॉन्ग कंटेन्स बोथ लिरिक्स एंड म्यूजिक, वेर एज स्कोर इज जस्ट काइंड ऑफ थीम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जो मूवी में होता ना, तो दैट इज नोन एज स्कोर। तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए लाला लैंड ने अवार्ड उठाया, ठीक है, और जस्टिन हर्जविज, बेंच पास्कर एंड जस्टिन पॉल ने बनाया था ये सॉन्ग, और ओरिजिनल स्कोर जस्टिन हर्टविज लाला लैंड, इन्होंने बनाया था बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे हम स्कोर कहते हैं, ठीक है। बेस्ट साउंड मिक्सिंग अवार्ड, सो बेस्ट साउंड मिक्सिंग अवार्ड गया है केल्विन ओ कॉलोनी एंड एंडी राइट और रॉबर्ट मैकेंजी एंड पीटर क्रेस। सो इन चार लोगों को बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड गया है किस मूवी के लिए? हैक्सॉ रिज, हैक्सॉ रिज मूवी के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड गया है। बेस्ट साउंड मिक्सिंग था, अब साउंड एडिटिंग, अब ये दो अलग अलग हैं। बेस्ट साउंड एडिटिंग 2017 का ऑस्कर अवार्ड गया है सिल्वेनिया बेलमेयर को, किस मूवी के लिए? फॉर अराइवल मूवी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड गया है लाइनस सैंडग्रीन को, किस मूवी के लिए? लाला लैंड। देखा हमने लाला लैंड को, फिर एक और सिनेमाटोग्राफी का भी अवार्ड मिला, तो लाला लैंड को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस बार। नाउ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्ड का अवार्ड गया है इर्जा इंडवेन एंड कॉरोलिन वाटरलो को, फॉर विच मूवी? ओजे मेड इन अमेरिका, इस मूवी के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड गया है। नाउ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड गया है किनित लॉन्ग्रैंग को, फॉर विच मूवी? फॉर मैनचेस्टर बाय सी के लिए। फिर है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड 2017 ऑस्कर अवार्ड गया है द वाइट हेलमेट्स को, और ये किस और द वाइट हेलमेट्स मूवी किसने बनाया है? बाय ऑर्लैंडो वोल इंडिजिल एंड जोना नाइक्सेरा। नेक्स्ट, बेस्ट फिल्म एडिटिंग। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड गया है जॉन गिल्बर्ट को, फॉर विच मूवी? फॉर हैक्सॉ रिज। नेक्स्ट है बेस्ट विजुअल इफेक्ट। बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड गया है रॉबर्ट लिगेटो, एडम विल्जेड, एंड्रयू आर जोन्स एंड डेल लेमनन को, किस मूवी के लिए? फॉर द जंगल बुक, मूवी है द जंगल बुक। नाउ नेक्स्ट है बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन 2017 अवार्ड गया है डेविड वैस्को एंड सैंडी रेनॉल्ड्स वैस्को, किस मूवी के लिए? लाला लैंड। देखिए लाला लैंड ने फिर से एक अवार्ड, एक नया अवार्ड जीता बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का। और नेक्स्ट है, दिस इज़ द लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट एनिमेटेड फीचर। बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड गया है यूथोपिया बाय ब्रॉन हॉवर्ड, रिच मुरे एंड क्लार्क स्पेंसर को। सो फ्रेंड्स, ये थे लिस्ट अवार्ड विनिंग के 2017 फॉर ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। आप इसे ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि हमेशा अक्सर हाँ ये पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। 2017 के जितने भी कॉम्पिटिटिव जॉब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये सारे सवाल आएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में
ये नीचे ऐसा ये कमेंट बॉक्स आता है, यहाँ पे आप अपने कमेंट्स या डाउट कन्फ्यूजन लिख सकते हो। और सब्सक्राइब और लाइक, ये सब्सक्राइब और ये लाइक करना मत भूलिएगा। अभी ये सब्सक्राइब दिखा रहा है क्योंकि ये सब्सक्राइब हो चुका है, और ये ब्लू हो गया क्योंकि ये लाइक कर चुका हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।